ये पोस्टर का मैसेज ये देना चाह रहे हैं हम कि जिस तरह से हो रहा है, हमारे माननीय कलेक्टर साहब और पूरी भारत सरकार और निर्वाचन आयोग इस विषय को लेके बहुत जागरूक है कि 100% मतदान हो। तो हमारे जय हिंद युवा संगठन का भी एक विषय है, विचार है कि सभी अपने जो मतदाता भाई उनको जागरूक किया जाए कि 13 तारीख का जो दिन है वो छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, राष्ट्र धर्म निभाने का दिन है और अपना जो अधिकार है, जो मतदान है अपना, वो पूर्ण रूप से करने का दिन है। इस पर लिखा हुआ कल छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का दिन है। क्या क्या लगता है आपको, लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व है और एक पावर जो है कॉमन मैन को, एक मतदान का ही पावर रहता है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैं इसके आम मतदाता से ये कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष के लिए कोई सरकार बनती है, अगर हम 100% मतदान करते हैं तो उससे एक अच्छी सरकार उभर के आती है, बन के आती है, जो एक आम नागरिक की बातें भी सुनेगी और जो उनकी समस्या उनका निदान भी होगा। तो जब तक एक आम आदमी, आज भी हमारा मतदान प्रतिशत 70-65 जा रहा है, 100% क्यों नहीं जा पा रहा है, इस विचार को लेके हम जागरूक हों और मतदान करें। जब तक मतदान नहीं बढ़ेगा, जब तक एक अच्छी सरकार और अच्छा विचार देश की तरक्की के लिए आगे नहीं आ पाएगा, इसलिए 100% मतदान आने वाले भविष्य में होना चाहिए, ऐसे विचारधारा को लेकर हमने ये पोस्टर लगाए। आप स्टेशन रोड पर अभी खड़ी है युवाओं की टीम, क्या मुख्य मार्ग है देवास के, वहाँ पहुँचेंगे और ये मैसेज देंगे? बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्लान है, आज से हमने प्रारंभ किया है इसको। हम सहजी द्वार पे, लाल गेट पे, तहसील चौराहे पे, भोपाल चौराहे पे, विकास नगर चौराहे पे, इसके बाद आवास नगर चौराहे पे, ऐसे हम इसकी टीम बना के कल दिन भर सुबह से शाम तक हमारा प्रोग्राम है कि 10-10, 15-15 मिनट हम एक पॉइंट पे जाके खड़े रहें और सभी देवास शहर के, हमारी लोकसभा के जितने भी मतदाता गण हैं और जो आने जाने वाले हाईवे से लोग बाग भी हैं, वो भी इस चीज़ को देखें और जागरूक होकर 100% मतदान करें देश हित में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।